चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अभी तक जो हम ज्ञात कर रहे थे उसमें केवल एक्स की घात 2 थी, केवल इतना रहता था। ये एक्स की घात तीसरी नहीं रहती थी, तो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। इसको हम शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे। कैसे? शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें एक्स के जगह पर कोई भी मान लेना पड़ेगा, 1 माइनस 1 कुछ भी ले करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जब ये हमारा 0 आ जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर एक्स बराबर 1 रखे हैं तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 होगा, यानी एक्स माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अगर माइनस 1 रखने पर 0 आता है तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर माइनस 1 है तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो एक्स प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम चेक करते हैं कि 1 रख करके कि इसका x माइनस 1 एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 एक कम 2 माइनस 2 में से एक गया 1, ठीक है। ये माइनस 2 2 माइनस 2 एक एक 2 माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जब 1 रखने पर इसका मान 0 आ जा रहा है तो x बराबर 1, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो अब हम x माइनस 1 से अगर इसमें भाग कर दें, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में भाग फल जो आएगा हमारा, वो भी इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। तो हम इसको बस इसी तरीके से केवल कर सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हम इसमें भाग देते हैं x माइनस 1 से इस पूरे में। तो सबसे पहला फोकस हमारा ये रहता है, अब यहाँ पर आप भाग देना भी सीख लीजिए। इस x को x घात 3 बनाना है, जिससे यहाँ लिख दें और ये कैंसिल हो जाए। तो हम इसमें किस चीज़ से गुणा कर दें कि ये एक्स की घात 3 आगे वाला बन जाए। अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो ये घात 3 बन जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर से इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो इससे इसमें एक्स में गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, एक्स का क्यूब, और 1 में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको कर लेंगे माइनस, प्लस है चिन्ह बदल के माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस है ये माइनस, प्लस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये घट कर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स ऐसे और ये प्लस 2 ऐसे, ठीक है। अब आगे देखेंगे और ले जाएंगे। अब इस x को किस चीज़ से गुणा कर दें कि एक्स स्क्वायर बन जाए। अगर हम माइनस एक्स से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला सिंबल नहीं मानेंगे, ये खत्म हो गया, अब ये वाला सिंबल मानेंगे, यानी इन दोनों को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया और माइनस एक्स जुड़ जाएगा, माइनस टू एक्स और प्लस टू हो जाएगा। अब ये माइनस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब ये माइनस टू एक्स और प्लस टू बचा है, अब किस इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि ये माइनस टू एक्स बन जाए, माइनस टू एक्स। तो अगर हम इसमें माइनस टू से गुणा कर दें माइनस टू से, तो क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स, और ये क्या बन जाएगा, दो एक कम दो और धन दो। अब फिर इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है प्लस का चिन्ह, प्लस है माइनस का चिन्ह, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आना ही था, क्यों आना था, क्योंकि x माइनस वन हमने यहाँ पर चेक किया है कि ये इसका एक गुणनखंड है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, गुणनखंड रहता है शेषफल जीरो आता है, हमने आपको पहले भी बताया, तो ये इसका गुणनखंड था, शेषफल जीरो आ गया। अब एक्स माइनस वन, हमें फाइनली पता क्या चला, एक्स माइनस वन और ये वाला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये दोनों इन दोनों को गुणा करने से ही ये वाला व्यंजक आया है, तो हमारे पास ये दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब हम इसको भी, इसका भी दो गुणनखंड होगा, तो इसको भी गुणनखंड के रूप में चेंज कर लेते हैं। जब इसको हम बदलेंगे, यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, कहिए तो नीचे ही करते चलते हैं, चाहे तो ऊपर, एक्स माइनस वन एक और ये, यहाँ से करते आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हम कर सकते हैं, दो एक कम दो, दो का ऐसा गुणनखंड करिए कि माइनस करने पर वन आए, तो दो एक कम दो, दो में से एक गया एक, तो एक्स माइनस वन ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो माइनस एक, माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर में गुणा होगा, क्या बचेगा, माइनस टू एक्स और प्लस एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन ऐसे लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू। ठीक है, बचा क्या, एक्स प्लस वन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कॉमन है, एक्स माइनस टू कॉमन ले लिए, बचा क्या, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, यानी कि हमारे पास फाइनली इसके तीन घात थे, तो तीन गुणनखंड आ गया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस वन है ये ना, माइनस माइनस, एक एक सिंबल का ध्यान देते चलेंगे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन ये भी और माइनस वन ये भी, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप हल करते चलेंगे। इसके भी चार पार्ट हैं, हम चारों पार्ट आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, पहला क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शेषफल प्रमेय के अनुसार करेंगे हम, एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, अगर जीरो आ गया तो उसको पक्षांतर करके इधर लाके उसको एक व्यंजक बना लेंगे, एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन से ये जीरो आ गया तो हम एक्स माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी एक्स माइनस वन, और इसको यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो ये और ये इसका दो एक गुणनखंड हो गया, फिर इसका गुणनखंड फिर कर लेंगे, और फिर इस तरीके से तीन व्यंजक प्राप्त हो गया और ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, हम यहाँ भी एक्स की कोई वैल्यू पुट करके इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, कैसे कौन सा व्यंजक इससे कटेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरे में भी फिर वही काम करेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे, वन माइनस वन टू माइनस टू, आप कुछ भी रख सकते हैं, जिस वैल्यू पर इसका मान जीरो आ जाएगा वो इसका एक गुणनखंड होगा, उसको गुणनखंड बना लेंगे, फिर उससे भाग दे करके दूसरा गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब इस बार मान लेते हैं हम माइनस वन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा माइनस वन, ये वन हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री, और ये माइनस नौ एकम नौ प्लस नाइन हो जाएगा, और ये माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 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 एक साथ जुड़ गया, तीन एक चार पाँच नौ, माइनस नौ प्लस नौ बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी कि माइनस वन रखने पर, एक्स बराबर माइनस वन रखने पर हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो एक्स
माइनस वन इधर आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस वन रखने पर जीरो आ रहा है। तो हमारा पहला गुणनखंड क्या हो गया, एक्स प्लस वन हमारा एक गुणनखंड हो गया। अब अगर इस एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो हमें दूसरा गुणनखंड भी प्राप्त होगा। तो आइए अगले पेज में हम डिवाइड करके देखते हैं एक्स प्लस वन से इस व्यंजक में, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे, एक्स प्लस वन इधर बीच में ये, और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। हमने आपको डिवाइड करने का मेथड बताया, यक्स है, इसमें किस चीज़ से गुणा कर देंगे, एक्स क्यूब बन जाए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा। और हमारा मोटिव यही है, हम आगे वाले को सेम उसी तरह बना करके और घटा करके काट दें। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, और फिर इसमें गुणा होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ऐसे लिख लेंगे। अब एक्स को किस चीज़ से गुणा करेंगे, फोर एक्स स्क्वायर बन जाए। तो पहली बात तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस लाने के लिए, और फोर से गुणा करेंगे फोर लाने के लिए। एक्स है तो एक एक्स से और गुणा कर दें तो ये फोर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस, अब क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स। फिर सिंबल चेंज करेंगे, माइनस है, सिंबल चेंज करते हैं इसलिए क्योंकि हमें माइनस करना है, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे सिंबल बदल जाएगा, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये नाइन माइनस नाइन एक्स, अब ये प्लस फोर एक्स बन गया, नौ में से चार घटेगा, माइनस फाइव एक्स आ जाएगा, और माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें अगर माइनस फाइव से गुणा कर दें, माइनस फाइव बार ले जाएंगे, तो फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव, ये क्या हो गया, प्लस प्लस, शेषफल क्या आ गया, जीरो। और शेषफल जीरो आना ही था क्योंकि ये क्या था, इसका एक गुणनखंड। अब हमारे पास गुणनखंड जो मिल गया वो एक्स प्लस वन पहले से ही था, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, दूसरा गुणनखंड मिल गया, ठीक है। तो अब ये जो गुणनखंड है इसको भी और एक गुणनखंड बना लेंगे, इसका भी और भी गुणनखंड होगा, वही करेंगे, फोर एक्स माइनस फाइव, पाँच एक कम पाँच, पाँच का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि माइनस करने पर फोर आ जाए। तो पाँच एक कम पाँच, पाँच में से एक गया चार, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस वन आगे रहेगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स से गुणा होगा, पाँच एक्स माइनस पाँच एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स, वन है ये, सॉरी वन है, फोर नहीं होगा, ये एक्स होगा। तो वन से माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स आ गया। फिर आगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स में से एक एक्स फोर जाएगा, फोर एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अब दूसरा का, अब यहाँ फिर क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस यहाँ फाइव, और यहाँ कॉमन ले लेंगे प्लस वन, क्या बचेगा, एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो एक्स माइनस फाइव एक ब्रेकेट में, और एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक ब्रेकेट में। तो हमारा इसका जो दो गुणनखंड आया वो एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव आया। तो फाइनली इसका गुणनखंड दो कौन कौन से आए, एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन हमारे पास पहले से एक था, ठीक है। तो इस तरह से एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस फाइव, इसका एक गुणनखंड हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर, और इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन करते जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने आप अपनी कॉपी में भी करिए, जिससे पता चले,
कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहाँ पे नहीं आएगा हम बताएंगे, हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं वैसे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक्स का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें भी वही करना है, शेषफल प्रमेय लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स का कोई भी मान रखेंगे, अगर जिस मान पे 0 आ जाएगा तो वो इसका एक गुणनखंड होगा। मान लीजिए 1 - 1, 2 - 2, कुछ भी रख के हम देखेंगे। चलिए 1 रख के देखते हैं। तो 1³ प्लस 13 और प्लस 32 प्लस 20, तो प्लस प्लस है, 1 से तो मान आएगा नहीं, यानी 1 से 0 नहीं आ रहा है। -1 चेक करें, 2 चेक करें, -2 चेक करें। चलिए 2 चेक कर लेते हैं। 2 × 4 × 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 4 = 53 हो जाएगा। प्लस वाले से तो आएगा नहीं, इससे भी नहीं आएगा। चलिए -2 चेक कर लेते हैं। जब -2 चेक करेंगे तो -2³ प्लस 13 × -2² धन 32 × -2 = 20। 2 × 4 × 8 -8 धन 2 × 4 = 53 धन 32 × -64 धन 20। तो +52 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 72। और -64 -8 कितना हो जाएगा, -72, और आ गया 0। यानी कि अब हम कह सकते, तो जब अब 0 आ गया तो क्या रखने पर आया है, -2। यानी x इक्वल टू -2 रखने पर 0 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। अब अगर इसको x प्लस 2 से भाग दिया जाएगा तो इसका एक और गुणनखंड आ जाएगा। तो अगर हम x प्लस 2 से भाग देंगे किसमें, इस गुणनखंड में, एक्स का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x + 20, इसमें भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं भाग दे करके कैसे आएगा। तो x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करना है। हमने आपको इसके पहले दो क्वेश्चन में बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x है यहाँ पर, x³ बनाएंगे, किस चीज़ से गुणा कर देंगे, x³ बन जाए, x² बार ले जाएंगे, x² से इसमें गुणा कर देंगे, x³ बन जाएगा। ठीक है, तो x³ प्लस 2 में भी गुणा करेंगे, 2x² बन जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस, सिंबल प्लस है माइनस, कैंसिल हो गया। 13x² में से 2x² माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 11x² प्लस 32x + 20। अब 11 बार ले जाएंगे तब यहाँ 11, और x बार ले जाएंगे तो 11 है। यानी कि टोटल कितना बार ले जाएंगे, अगर हम 11x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 11x² तो 11x² हो जाएगा। चलिए, और ये 11 से 2 में मल्टीप्लाई हो, 11 × 2 = 22 प्लस 22x प्लस है माइनस, माइनस कैंसिल हो गया। 32 में से 22 घट जाएगा, कितना आएगा, 10x और प्लस 20। अब x है, x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 10x हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 10x प्लस 10 × 20। बस अब प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सिंबल चेंज करके दोनों कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 क्यों आया, क्योंकि x प्लस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड ना होता तो ये शेषफल 0 ना आता। तो अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 और ये जो ऊपर आया x² प्लस 11x + 10, ये दोनों इस बहुपद के क्या हैं, गुणनखंड
हैं। तो अब इसका एक दो गुणनखंड और होगा, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये एक्स प्लस टू रहेगा और इसको हम कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको भी दो भाग में बांट लेंगे। तो 10 एकम 10, 10 का ऐसा गुणा करिए कि जोड़ने पर 11 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो 10 एकम 10। अगर हम 10 प्लस 1 लिखकर एक्स बना लें तब हमारा काम बन जाएगा x² + 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x² + 10x + x + 10, ठीक है, 10 × 11x आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। x² प्लस, अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा x + 10, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, x + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x + 10, इन सब में कॉमन क्या है, x + 10, और फिर बचेगा क्या, x + 1। बस अब हमारा जो इसका गुणनखंड हो गया वो क्या हुआ, x + 2, ये वाला ऐसे ही लिखते आएंगे, x + 2 और x + 10 और x + 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसका पार्ट 3 था। एक क्वेश्चन और बचा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। हम इसके चारों क्वेश्चन आपको करवाए हैं और ये चौथा भी करवाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर वाई है तो कोई बात नहीं, बीजीय व्यंजक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहला काम हम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, हम वाई की एक कोई वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई का कोई एक मान लेंगे जिससे इस पूरे व्यंजक का मान 0 आ जाए। तो हमने ट्राई किया था 1 - 1, 2 - 2, ऐसे ही ट्राई करते जाते हैं, और जिस पे 0 आ जाता है उसी को पक्षांतर करके उसका एक गुणनखंड बना लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा होगा, तो 1 से ट्राई करते चलते हैं। चलिए, 2 × 1³ + 1² - 2 × 1 - 1, तो 1³ क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 + 1, ऋण 2 एकम 2 और ऋण 1, 2 1 3 और 2 1 ऋण 3, ये देखिए 0 क्या गया, धन 3 ऋण 3 क्या गया, 0। यानी कि 0 कब आया, 0 आया तब जब y बराबर क्या है, 1। जब y बराबर 1 है तो हमारा क्या आया है, इस व्यंजक का मान 0 आया, यानी कि इसका शेषफल 0 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, y - 1 = 0 लिख सकते हैं, y - 1, और यही y - 1 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जब y - 1 इसका एक गुणनखंड होगा तब हम अगर y - 1 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास, तो चलिए, जब अगर y - 1 से इस व्यंजक में भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो आएगा वो, और ये इसका एक गुणनखंड होगा। चलिए, y का गुणा कितनी बार कर दें कि 2y³ बन जाए, तो अगर 2 से गुणा कर दें 2 और y² बार गुणा कर दें तो ये 2y³ बन जाएगा। तो चलिए, 2y³ बन गया माइनस 2y² - 1 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस प्लस का गुणा -2y², ठीक है। अब माइनस कर लेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस बन जाएगा, ये +2y² - 2y² कैंसिल हो गया। अब ये +1y और ये +2y, ये माइनस वाला सिंबल नहीं लेंगे, ये खत्म हो चुका है, अब ये सिंबल बन गया इसका प्लस, तो 1y² + 2y² कितना हो जाएगा, 3y² और -2y - 1। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर, पहला काम तो करेंगे वाई बार ले जाएंगे तो y² बनेगा, और 3 बार ले जाएंगे 3y बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 3y बार ले जाएंगे 3y² बन जाएगा, तो वही बना लेंगे 3y² और 3y से जब -1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -3y - 3y। अब ये भी फिर क्या कर लेंगे, माइनस, तो यहाँ पे प्लस है सिंबल चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, +3y - 3y कैंसिल, -2y और +3y में से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y और -1।
अब कितनी बार ले जाएंगे, वाई है यहाँ भी वाई है, तो वाई माइनस वन यहाँ है, वाई माइनस वन यहाँ भी है, तो कितनी बार जाएगा, वन बार जाएगा, तो वन बार ले गए वाई माइनस वन आ गया, तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कैंसिल हो गया और क्या गया, जीरो। यानी अब हमारे पास एक गुणनखंड आ गया वाई माइनस वन, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया जो ऊपर गया है, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन, ठीक है। ये जो ऊपर गया ये दूसरा गुणनखंड हो गया, और ये पहला गुणनखंड, तो अब इसको भी गुणनखंड में चेंज कर लेंगे, एक वाई माइनस वन हो गया, अब दूसरा दो एकम दो, दो का ऐसा गुणा करो कि जोड़ने पर तीन आए और गुणा करने पर वह वन, तो दो एकम वन, दो प्लस एक कर सकते हैं, वाई धन एक और टू वाई स्क्वायर प्लस, तो टू वाई स्क्वायर प्लस दो एकम दो वाई प्लस वाई एकम वाई और प्लस वन। अब यहाँ पर देखिए दो वाई एक वाई कितना हो जाएगा, तीन वाई हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। हम यहाँ चेक कर लेंगे हर बार कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर क्या कॉमन है, वाई यहाँ भी वाई, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, तो कॉमन क्या है, टू वाई, टू वाई कॉमन हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे, वाई और यहाँ वन, तो वाई प्लस वन, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो वन कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, वाई प्लस वन, वन कॉमन लेते हैं तो अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूरे व्यंजक में कॉमन क्या है, वाई प्लस वन, तो वाई प्लस वन कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, टू वाई प्लस वन, यानी कि हमारे पास तीन गुणनखंड आ गए, कौन कौन से, वाई माइनस वन, वाई प्लस वन और टू वाई प्लस वन। दोस्तों इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, आइए हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। हमारे पास गुणनखंड क्या है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, पीवीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको दूसरा तरीका, एक शॉर्ट तरीका है वो भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टू वाई का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और माइनस, सॉरी माइनस वन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई का क्यूब है, एक वाई बचेगा और दो बचेगा, दो वाई और प्लस यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो वन बचेगा, ठीक है। यहाँ माइनस टू वाई माइनस वन, अगर माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टू वाई और माइनस, माइनस है माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ब्रेकेट में क्या कॉमन है, टू वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन भी कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस वन। हमारे पास एक गुणनखंड आ गया पहले वाला, टू वाई प्लस वन जो आया था, अब आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, तो टू वाई प्लस वन एक जगह, और ये जब फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वन का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रिकेट में ए प्लस बी, एक ब्रिकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ फिर एक ब्रिकेट में वाई प्लस वन हो जाएगा और एक ब्रिकेट में वाई माइनस वन। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका है, जिस क्वेश्चन में अप्लाई होगा हम आपको जरूर बताएंगे शॉर्ट तरीका, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो ये है इसका आंसर, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप इस वीडियो को पीवीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कंप्लीट क्लास लेना है तो आप प्रीमियम क्लास जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।